सिमर ने तोड़े गगन से अपने भाई से सारे रिश्ते, लगाया एक खींचकर तमाचा। वेल दोस्तों, ससुराल सिमर का 2 के प्रोमो में क्या दिखाया है, कौन सा बड़ा ट्विस्ट आपको शो में अपकमिंग एपिसोड्स में देखने को मिलने वाला है, चलिए जल्दी से जानते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि सिमर को और आरव को, यहां तक कि अदिति को और उसकी मां संध्या को, सबको ये पता चल गया है कि गगन ने अदिति से कभी प्यार किया ही नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है, यूज किया है गीतांजलि देवी से बदला लेने के लिए। दरअसल शो में आप देखेंगे कि संध्या और सिमर अदिति को लेकर पहुंच जाएंगे नारायण हाउस यानी गगन के पास में, और जहां हमने आज के एपिसोड में एंडिंग में देखा कि जो ओसवाल मेंशन है, उनकी कार आ जाती है अदिति और के पास में, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि कहीं बड़ी माँ ने तो उनको देख नहीं लिया, उनका पीछा तो नहीं किया। लेकिन दोस्तों बता दूं कि उस कार में आरव ही होगा जो उन्हें नारायण हाउस लेकर जाने वाला है। यहाँ पर वो लोग घर पहुंच जाएंगे, गगन के पास पहुंचेंगे और संध्या गगन से बात करेगी कि तुम सिर्फ मुझे ये कह दो कि तुम अदिति से शादी करोगे और उसे हमेशा के लिए खुश रखोगे। लेकिन यहाँ पर अब गगन और झूठ नहीं बोल पाएगा, वो साफ कह देगा कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा अदिति से, क्योंकि मैंने उसका सिर्फ यूज किया है, मैं अदिति से प्यार करता ही नहीं था, ना कभी मैंने उससे प्यार किया। ये बात सुनकर अदिति को ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, सदमा लगने वाला है, क्योंकि वो तो पागलों की तरह गगन से प्यार करती है। लेकिन गगन के मुंह से ये बातें सुनने के बाद में अदिति के होश उड़ने वाले हैं, उसको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है गाइस। वही उसकी माँ संध्या को भी बहुत ज्यादा झटका लगेगा, क्योंकि वो लोग भाग कर आए हैं इतनी रात को अदिति को उसके प्यार से मिलवाने के लिए, लेकिन यहाँ तो उन्हें एक और बड़ा तगड़ा सा झटका मिलने वाला है। तो दोस्तों गगन की सच्चाई जानने के बाद में सिमर का भी कंट्रोल जो है वो टूट जाएगा, और बहुत ज्यादा गुस्से में सिमर और आरव दोनों गगन पर अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आएंगे। आरव घसीट कर गगन को बाहर लेकर जाएगा और वहीं सिमर भी पहुंचकर खींच कर तमाचा लगाएगी अपने भाई को और कहेगी कि आज से सिमर, आरव, ओसवाल, अदिति की भाभी गगन नारायण से अपने सारे रिश्ते तोड़ती है, सारे रिश्ते खत्म करती है। ये बात सुनकर गगन को भी ऑब्वियसली बात है झटका लगेगा। तो बहुत ही बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलने वाला है गाइस, कि क्या अब गगन को होगा अदिति से प्यार, क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगा, उससे शादी करेगा, क्योंकि मोहित तो अच्छा लड़का नहीं है और संध्या और सिमर दोनों मिलकर अदिति की शादी मोहित से तो कभी भी नहीं होने देंगे। तो गाइस देखना होगा कि अब गगन का अगला कदम क्या होता है, क्या सही में अदिति इस सदमे से बाहर निकल पाएगी, क्या गगन अदिति को सहारा देगा, उससे सच में शादी करेगा और उसका दिल टूटने से बचा लेगा। यहाँ पर आरव और सिमर भी क्या करते हैं अदिति के लिए और क्या उसे गगन से मिलवाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अदिति के लिए गगन अच्छा लड़का है, बेस्ट पार्टनर हो सकता है, क्या उसे सच में अदिति से शादी करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और टीवी शोज और बॉलीवुड के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।